देखिए देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों, आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है, जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की, देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार 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 उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10-10 साल गुजर गए हैं, एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया, दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली, इंतजार करते रहे ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इंतजार करते रहे, जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। ये परिस्थितियां हैं इन प्रदेशों में जहां भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक कोई लगाम नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।